माननीय उपसभापति जी, आज अनुपूरक अनुवादों अनुदानों और बजट के री अप्रोप्रिएशन के बिल के संबंध में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका हृदय से साधुवाद। महोदय, 37 अरब 61 करोड़ रुपए अनुपूरक अनुदानों के रूप में माननीय लोकसभा से स्वीकृत हुए हैं और आज उस बिल को पर हम सब लोग बोल रहे हैं, और इतने ही अनुदान को रीअप्रोप्रिएशन बिल के रूप में हम सब लोग स्वीकृति देने जा रहे हैं। महोदय, इस वर्ष में जिस तरीके से देश के विकास के ऊपर, जो देश के विकास की प्राथमिकताएं थी उनके ऊपर बजट का अधिकांश धन परिव्यय हुआ, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की क्षमता का विकास हो, चाहे माननीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किए गए काम हो, चाहे नए मेडिकल कॉलेज खुलने की बात हो, चाहे नए एम्स खुलने की बात हो, नए विश्वविद्यालय बनाने की बात हो, विभिन्न क्षेत्रों में जिस तेजी के साथ काम हुआ है और इतनी लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन जन तक आज़ादी के अमृत महोत्सव का लाभ इस बजट के माध्यम से पहुंचाने का काम किया गया है, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा, माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि सरकारी धन का एक एक पैसा लोक कल्याण में खर्च हो रहा है। और इतना ही नहीं, ऐसे कोविड जैसी महामारी से उभरने के बाद जिस तरह से देश के सामने गंभीर संकट उत्पन्न हुआ था और उस संकट से उभारने में सरकारी संसाधनों ने और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं ने जिस तरह से देश की जनता को नया विश्वास दिलाने का काम किया है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, इस महामारी के बाद जिस तरीके से दुनिया के तमाम सारे विकसित देश, उनकी स्थिति गंभीर हुई, लेकिन भारत ने ऐसी गंभीर त्रासदी में भी किसी गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दिया, हर घर राशन पहुँचाने का काम किया, हर घर से वो तमाम आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने का काम किया, जिससे इस कोविड जैसी महामारी में कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोया, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा। माननीय, जिस तरीके से देश के एक एक गांव में, उन गरीब परिवारों में, झुग्गी झोपड़ियों में, जिस तरीके से उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से गैस का कनेक्शन पहुँचाने का काम किया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों के टूटे जो फूस के घर थे उनको पक्का मकान बनाने का काम किया गया, नल से जल पहुंचाने की दिशा में जिस तेजी के साथ जितनी महत्वाकांक्षी योजना बनी है, उसके लिए भी मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि घर घर में स्वच्छ जल मिले, यह प्रयास है भारत सरकार का और इसमें जिस तेजी के साथ काम हो रहा है। माननीय, नई शिक्षा नीति के माध्यम से एक नया विश्वास जगा है कि हमारी शिक्षा नीति हमारे आयामों के अनुरूप होगी, भारतीय व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में नई शिक्षा नीति एक कारगर और ज्यादा उपयोगी हो सकेगी। मेरा यह अनुरोध होगा कि शिक्षा नीति, हमारे तमाम सारे शिक्षा मनीषियों ने बहुत मेहनत करके नई शिक्षा नीति बनाई है, उसको ठीक से क्रियान्वित होने की आवश्यकता है और शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जब नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि भारतीय शिक्षा अपने भारतीय संसाधनों के अनुरूप और भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप जब हमारा नौजवान शिक्षित होकर निकलेगा तो देश के विकास को नई दिशा मिलेगी, देश को नई ऊँचाइयाँ मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बहुआयामी दृष्टि है, समाज के हर क्षेत्र में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जो उनकी दृष्टि से कहीं अछूता रहता हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, यातायात हो, इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है, नेशनल हाईवेज का निर्माण हुआ है, एक्सप्रेस वेज का निर्माण हुआ है। आज स्थिति है कि प्रतिदिन करीब 45 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का निर्माण हो रहा है। ये हमारे दृढ़ सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का नतीजा है कि इतने बड़े पैमाने पर देश में नेशनल हाईवेज का पर डे निर्माण किया जा रहा है। माननीय, इतना ही नहीं, बिजली के उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी की, जिससे कि हम जो सोलर एनर्जी के माध्यम से देश को पर्यावरण भी हमारा शुद्ध रहे और विद्युत का उत्पादन भी बढ़े, इस दिशा में भी सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। रेल नेटवर्क को बढ़ाने का काम, रेल की स्पीड को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तमाम जहां डीजल इंजन से रेलें चला करती थी, आज सारी लाइन को इलेक्ट्रिफाइड करके बिजली से रेल चलाने का काम किया जा रहा है। रेल की स्पीड भी बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। रैपिड ट्रेन चलाने की योजना आगे बढ़ रही है,
तो माननीय भाई, इन सारी चीजों आज कितने सारे नगरों में मेट्रो ट्रेन चलाने का कार्यक्रम आगे प्रगति पर है। इस तरह से देश के आज सर्वांगीण क्षेत्र में विकास हो रहा है और बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। और जिस तरह से डिजिटलाइजेशन के ऊपर जोर दिया है प्रधानमंत्री जी ने, आज पेपरलेस वर्किंग हो रही है। तमाम दफ्तरों में जहां 20 साल से रद्दी भरी पड़ी थी, तमाम फाइलें ढेर इकट्ठा थी, आज उन सबको कम करके, कम से कम उन तमाम पुराने कागजों को हटा करके कम से कम पेपर का उपयोग हो और उन तमाम दफ्तरों में जो कूड़ा भरा था उसको निकाल कर करोड़ों रुपए उससे अर्जित करने का काम किया गया। और आज इन्हीं नीतियों का नतीजा है कि आज जिस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बड़ी तेजी के साथ हमारे देश में बढ़ रहा है, उसका कारण है कि विकास की गति तेज हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी के साथ बढ़ा है, जिससे कि तमाम दुनिया के देश भी आज भारत में निवेश करने में रुचि लेने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, रक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से हमारे सामने चुनौतियां थी, देश ने आत्मनिर्भर बनने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े पैमाने में रक्षा उत्पादों का निर्माण भारत में होने का काम हो रहा है। आज बड़े बड़े वायुयान, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू जेट विमान भारतवर्ष में बनाए जा रहे हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार को सराहना करता हूं, बधाई देता हूं कि रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी तेजी के साथ काम हुआ है और तमाम रक्षा उत्पाद आज भारत में ही निर्मित हो रहे हैं और इस क्षेत्र में भी भारत स्वावलंबी हो रहा है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में डिफेंस प्रोटेक्शन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, तमिलनाडु में डिफेंस प्रोटेक्शन कॉरिडोर के माध्यम से बहुत बड़े बड़े रक्षा अनुसंधान और रक्षा उत्पादन के केंद्र लगाए जा रहे हैं, उत्पादन की फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, उससे देश और स्वावलंबी हो सकेगा। मान्यवर, इस तरीके से उन तमाम सारे क्षेत्रों में देश को आगे ले जाने की दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेजी के साथ काम हो रहा है, बजट के माध्यम से जो इतना जो अनुपूरक अनुदान है, इससे मैं समझता हूं इसके पास होने के बाद ये अनुपूरक अनुदान की मांगे जब व्यय होंगी, विकास की गति और तेज हो सकेगी और तेजी के साथ देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकेगा। मान्यवर, आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस दिशा में तेजी के साथ आगे काम न हो रहा हो। सुशासन के लिए हम आने वाली 25 तारीख को माननीय अटल जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे, लेकिन 2014 में जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उस दिन से ही सुशासन की दिशा में तेजी से काम हुआ है। और आज समझिए, आज जो सरकार है, समाज के हर वर्ग के लिए 125 करोड़ लोगों के भविष्य की चिंता सरकार के मन में रहती है, किसी कोई भेदभाव नहीं, पारदर्शी सरकार, पारदर्शी व्यवस्था देने का काम आज भारत सरकार में हो रहा है। और भारत सरकार के माध्यम से जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकारें हैं, वहां भी पारदर्शी व्यवस्था के चलते बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। मान्यवर, इतना ही नहीं, रोजगार सृजन के नए नए प्रयास किए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों का भविष्य। माननीय सदस्य।